हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। कोरोना वायरस ने दहशत फैला दी है। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क का टॉपिक 5 पढ़ रहे हैं। टॉपिक 5 में पहले क्या समझना है उसको समझिए। पैसा जो बांटा जाता है, समझिएगा बात को, पैसा जो बांटा जाता है वो कार्य क्षमता गुने समय के अनुपात में बांटा जाता है। अगर 3 आदमी हैं, ए बी सी, तीनों समान समय के लिए पूरे कार्य में शामिल रहा तो पैसा बटेगा केवल कार्य क्षमता पर। फिर से सुनिए, 3 आदमी ए बी सी है, अगर समान समय के लिए तीनों रहा है, शुरू से अंत तक तीनों कार्य में शामिल रहा समान समय के लिए, तो पैसा बटेगा केवल कार्य क्षमता के अनुपात में। अगर तीनों का समय अलग अलग हो तो पैसा जो बटेगा वो कार्य क्षमता गुने समय के अनुपात में। जो भी मजदूरी दी जाएगी वह कार्य क्षमता गुने समय के अनुपात में। चलिए प्रश्न पे आते हैं। ए एक कार्य को 20 दिनों में, जबकि बी अकेला 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 600 रुपये मिले तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए, दोनों मिलकर कार्य करें, यदि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 600 रुपया हो, इसका मतलब है कि शुरू से अंत तक दोनों रहा कार्य में, तो पैसा जो बटेगा केवल कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा बटेगा। तब समझिएगा बात को, ए है बी है, ए अकेले करता है 20 दिन में, बी अकेले 30 दिन में। दोनों का कुल कार्य, दोनों का एलसीएम मानेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ए 20 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करेगा, और एक दिन का जो कार्य होता है वही तो कार्य क्षमता होता है। बी 30 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। तो हम क्या बोले हैं कि जब दोनों समान समय के लिए कार्य में शामिल रहे शुरू से अंत तक, तो कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा बटता है। तो शुरू से अंत तक दोनों रहे कार्य में, तो पैसा जो बटेगा वो कार्य क्षमता के अनुपात में, यानी 3:2 में पैसा बटेगा। अब पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या होगा, तो कितना में से? 600 में से। तो 600 में से ए का हिस्सा उसकी कार्य क्षमता के अनुपात में मिलेगा, तो 3 भाग। अब बटा में हमेशा दोनों को जोड़ के रखेंगे तो 3 × 2 = 5, 5 से 12 बेर में कट गया, तो 12 × 3 = 36, 360 रुपया ए का हिस्सा हो गया। ठीक है, फिर से समझिए, टोटल 600 रुपया है, उसमें से 3 भाग मिलेगा ए को, तो जिसका निकालना हो उसका ऊपर रखते हैं। अब बटा में हमेशा 2 आदमी है तो दोनों का जोड़ के, 3 आदमी है तो तीनों का जोड़ के बटा में रखेंगे ना। तो इस तरह से 5 से कट गया ये 12 बेर में, 12 × 25 = 60, यानी 120 बार में 120 दिया ही, 360 रुपया ए का हिस्सा हो गया। अब इस प्रश्न में आते हैं, देखिए कह रहा है 3 आदमी है, ए बी सी। ए एक कार्य को 7 घंटे में तथा बी 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, परंतु सी की सहायता से, सी का समय नहीं दिए हुए, लेकिन सी की सहायता से अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो 7 × 8 = 8 × 56 = 168, तीनों का लस आ जाएगा 168, अर्थात 7 × 8 × 3 यही आएगा, लस इतना आ गया 168। अब है ए 7 घंटे में, 7 घंटे में 168 कार्य करता है तो 1 घंटे में 8 × 3 = 24 कार्य करेगा। बी 8 घंटे में 168 कार्य करता है तो 1 घंटा में 8 से 8 कर जाएगा तो 7 × 21 कार्य करेगा, और तीनों मिलके 3 घंटे में 168 कार्य करता है
तो 1 घंटा में 8 × 7 = 56 कार्य करेगा। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ के यहाँ पर 56 लाना है, इसका मतलब सी का 11 हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक तीनों तीन तीन घंटा कार्य किया है तो सब कार्य समाप्त हुआ है। तो जो पैसा बटेगा वो तो इसी अनुपात में बटेगा, 24:21 के अनुपात में, कार्य क्षमता के अनुपात में ही पैसा बटेगा। और एक दिन का जो कार्य होता है वही तो कार्य क्षमता कहलाती है। तो ए एक दिन में 24 कार्य करता है तो इसकी कार्य क्षमता 24 हो गई। बी एक दिन में 21 कार्य करता है तो इसकी कार्य क्षमता 21 हो गई। सी एक दिन में 11 कार्य करता है तो सी की कार्य क्षमता 11 हो गई। और तीनों के मिला के कार्य क्षमता है 56। तो अब पूछ रहा है तीनों जब शुरू से अंत तक समान समय के लिए रहे तो पैसा जो बटेगा कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो पूछ रहा है 168 रुपये में से सी को क्या मिलेगा। तो सी बराबर हो जाएगा 168 का कितना भाग, 11 भाग। अब बटा में सबको तीनों को जोड़ के, तो तीनों को जोड़ के तो 56 आ रहा है। तो 56 × 56 = 3, तो 11 = 33 रुपया मिलेगा सी को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग टॉपिक 5 के नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। टॉपिक 5 पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का। उसका अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 32 दिनों में, बी 48 दिनों में तथा सी 24 दिनों में करते हैं। तीनों ने 4 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद एक कार्य छोड़ दिया। उसके बाद 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य सी ने किया। यदि कुल मजदूरी 6480 रुपये हो तो उसमें से सी को क्या मिलेगा। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मजदूरी बांटी जाती है, जो पैसा बांटा जाता है, वह कार्य क्षमता गुने समय के अनुपात में, एक व्यक्ति की कार्य क्षमता और वह व्यक्ति कितने दिन कार्य में शामिल रहा, ये दोनों का गुणनफल जो होता है वही मजदूरी का अनुपात होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं मजदूरी का अनुपात बराबर कार्य क्षमता गुने समय। समय का मतलब है कि जो व्यक्ति जितना देर कार्य में शामिल रहे। अब ए का पता है, तीनों ने 4 दिन कार्य किया, ए छोड़ दिया, तो ए का पता है कि 4 दिन ए कार्य में शामिल रहा। अब उसके 2 दिन बाद बी छोड़ा है तो बी का पता है कि 4 दिन पहले ए के साथ किया, फिर 2 दिन सी के साथ, तो 4 × 2 = 6 दिन बी शामिल है। सी भी 6 दिन है लेकिन उसके अलावा आगे भी सी ने कार्य किया है, तो आगे कितने दिन तक और सी कार्य किया इसकी जानकारी हम लोग को नहीं। पहला काम है यह निकालना कि सी आगे कितना दिन और कार्य में शामिल रहा। देखिए ए बी सी, ए करता है अकेले 32 दिनों में, बी करता है 48 दिनों में, सी करता है 24 दिनों में। तो तीनों का एलसीएम टोटल कार्य मान लेंगे तो आ जाएगा 96। तो 32 दिनों में ए 96 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करेगा, 32 × 96, एक दिन में 3 कार्य करेगा। और एक दिन का जो कार्य होता है वही तो कार्य क्षमता होती है ना। बी 48 दिनों में 96 कार्य करता है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। सी 24 दिनों में 96 कार्य करता है तो एक दिन में 4 कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए पहले 4 दिन तक तीनों मिलकर कार्य किया है, तीनों कार्य किया है ना। तो 4 × 2 = 6 = 3 9 × 3 = 5 = 4 9 9 यूनिट तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर देगा। और तीनों मिलकर 4 दिन कार्य में शामिल रहा तो 9 × 36 यूनिट हो गया। अब 4 दिन बाद तो ए छोड़ दिया, तो ए जब छोड़ दिया अब आगे 2 दिन तक बी और सी कार्य किया तो 2 × 4 = 6 तो एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 2 दिन में कितना करेगा, तो 12 यूनिट कर दिया। तो इस तरह से कार्य समाप्त हो गया कितना, 48 यूनिट, 36 × 12 = 48 यूनिट। अब जो 48 यूनिट बच गया उसको कौन करेगा, सी करेगा। 48 यूनिट जो बच गया कार्य अब उसको सी करेगा, क्योंकि
ए 4 दिन किया, बी का 6 दिन हो गया, 4 दिन ही या 2 दिन ही, 6 दिन हो गए। अब शेष कार्य सी करेगा, सी जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 48 यूनिट करने में कितना दिन लेगा, तो 12 दिन। तो ए कार्य में 4 दिन शामिल रहा, बी रहा 6 दिन और सी रहा 12 दिन बाद में और 6 दिन पहले। 4 दिन ए बी सी तीनों साथ में और 2 दिन बी या सी, तो 4 दो 6 दिन सी कार्य में शामिल रहा और 12 दिन उसके बाद भी शामिल रहा, तो 12 6 18 दिन। तो अब तीनों के मजदूरी का जो अनुपात होगा, तीनों के मजदूरी का अनुपात ए बराबर हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता 3 है, ए की कार्य क्षमता 3 है और ए समय लगाया है 4 दिन, तो 4 तिया 12, कार्य क्षमता गुने समय के अनुपात में मजदूरी मिलती है। बी जो है, बी की कार्य क्षमता है 2 और बी कार्य में शामिल रहा है 6 दिन, तो 4 6 2 12 दिन, सॉरी 12, बी की कार्य क्षमता 12, सी की कार्य क्षमता, तो सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है अर्थात सी की कार्य क्षमता है 4 और वह कितने दिन शामिल रहा, तो 12 दिन बाद में और 6 दिन पहले, तो 12 6 18 दिन, तो 72। तो 12 12 1 1 का 12 6 72 कट गया, ए बी सी का अनुपात आ गया 1:1:6 और इसी अनुपात में मजदूरी मिलेगी। तो पूछ रहा है कि 6480 रुपया में से सी को क्या मिलेगा, तो सी बराबर 6480 का, सी का कितना हिस्सा है 6 भाग 6 2 8, 8 से इसको काट दीजिए, 8 8 64 1 0, अब इसमें गुना कर दीजिए 0 6 8 6 48, 4860 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, बार बार वीडियो देखिएगा नहीं समझ में आए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, इसको मिटा दूं। मिटा दूं ना दोस्तों, जान गईली हो जान, जान गईली जान, प्यार नहीं खेली खल, प्यार नहीं खेली खल, हाथ के लकीर में नहीं खे तकदीर में जान, दिल टूटला के त होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना, हो जैबू दोसर के कुछ दिन के बात बा, फिर पगला रोई पंदीवाना। देखिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट प्रश्न है। ए एक कार्य को 90 दिनों में, बी से 40 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, वे बारी बारी से कार्य करते हैं अर्थात पहला दिन ए, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन सी, पुनः चौथा दिन ए और आगे भी इसी प्रकार कार्य होते रहता है, तो कार्य की समाप्ति पर 3600 रुपए की मजदूरी में से बी को क्या मिलेगा। तीनों का समय दिया हुआ है तो कार्य क्षमता तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन कौन व्यक्ति इस कार्य में कितना दिन कार्य किया, कितना दिन कार्य में शामिल रहा यह पता है, और मजदूरी जो बांटी जाती है वह कार्य क्षमता गुने समय, तो कार्य क्षमता तो निकालना आसान है लेकिन कौन व्यक्ति कितना दिन कार्य में शामिल रहा यह भी पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 90 40 12, तीनों का लॉस कुल कार्य मान लेते हैं, तो तीनों का लॉस आ जाएगा 360। ए है, बी है, सी है। ए 90 दिन में 360 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा, बी 360 यूनिट करने में 40 दिन लेता है तो एक दिन में 9 कार्य करेगा, सुन्ना से सुन्ना कट गया 4 9 36, और सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 360 में 12 से भाग दे देंगे, 12 36 30 यूनिट कार्य करेगा। तो एक दिन पहले ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया,
तो 3 दिन कार्य हो गया। 3 दिन का कार्य क्या होगा? 3 दिन का कार्य, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी, तो 9, 4, 13, 30, 43 यूनिट, 43 यूनिट एक दिन का कार्य हो गया। अब 360 यूनिट कार्य करना है, तो कितना से गुना करे इसमें कि 360 के नज़दीक पहुंच जाए। बारी बारी से वाला पढ़े थे ना, एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करने वाला, उसी टाइप का है। तो 360 के नज़दीक पहुंचने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, तो देखते हैं। 9 से गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 8, 3, 24, 8, 4, 24, 8 से गुना करेंगे तो 8 से इधर गुना किए तो 8 से इधर भी गुना करेंगे तो 8, 3, 24 दिन का कार्य हो जाएगा। 24 दिन का कार्य, 8, 3, 8, 3, 24 के 4 हासिल, 2, 8, 4, 32, 2, 34, 344 यूनिट कार्य हो गया। अब देखिए, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, तो फिर छठा दिन सी करेगा, फिर नौवां दिन सी करेगा, बारहवां दिन सी, पंद्रहवां दिन सी, अठारहवां दिन सी, इक्कीसवां दिन सी, चौबीसवां दिन सी, चौबीसवां दिन सी किया तो पच्चीसवां दिन जो होगा वो किसकी बारी होगी, तो ए की बारी होगी। सी के बाद फिर ए की बारी आती है और ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर देता है। एक दिन में, एक दिन का कार्य हो जाएगा 4 यूनिट, तो सी एक दिन में 4 यूनिट कर दिया, तो 344 और 4, 348 कार्य हो गया। अब बारी किसकी है? बी की, बी की बारी है ना अगला, तो बी जो है एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर देगा, तो कितना कार्य हो गया? 344 और 4, 348 और 9, 357 कार्य हो गया। 357 यूनिट कार्य हो गया तो कार्य बचा कितना? 3 यूनिट। अब बारी किसकी है? सी की, तो सी जो है, अब सी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, सी 30 यूनिट, सी 30 यूनिट्स कार्य करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट करेगा 1/30 यूनिट में, तो 3 यूनिट करेगा 1/30 × 3, यानी 1/10 दिन में, 1/10 दिन अब सी कार्य करेगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए ए कार्य में कितना दिन शामिल है यह निकालिए, तो ए रहा 8 दिन इसमें और 1 दिन यहाँ, 9 दिन। बी रहा 8 दिन इसमें, 1 दिन यहाँ, 9 दिन। सी रहा 8 दिन यहाँ और वो 1/10 दिन, यानी 8 पूर्णांक 1/10 दिन। तो अगर हम तीनों की मजदूरी का अनुपात निकालेंगे तो कार्य क्षमता गुने समय के अनुपात में मजदूरी मिलती है, तो कार्य क्षमता गुने समय, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? तो ए की कार्य क्षमता 4, और दिन कितना लिया? 9 दिन। बी की कार्य क्षमता 9, और दिन कितना लिया? 9 दिन। सी की कार्य क्षमता 30, और दिन कितना लिया? 9 दिन, 1/10 दिन। समझिएगा बात को, यहाँ पर समझा रहे हैं, देखिए 9 दिन और 1/10 दिन, यानी 10 × 90 या 91/10 दिन, यही आएगा ना। 8 दिन और 1/10 दिन, देखिए 8 दिन इसमें और फिर 1/10 दिन यहाँ, 1/10 दिन यहाँ, तो 8 दिन और 1/10 दिन, तो 10, 8, 80 या 81/10 दिन। तो सी की कार्य क्षमता 30 है और 81/10 दिन वह कार्य में शामिल रहा, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 9 से 9 बार में 9 कट गया, तो यह आ गया 4:9:27, यही तीनों के मजदूरी का अनुपात होगा। अब इसमें से पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी बराबर कितना है? 3600। 3600 में से बी का हिस्सा
तो जिसका निकालना रहता है उसका ऊपर, अब बटा में सबको जोड़ के, तो 9 4 13 27 40, सुन्ना से सुन्ना कट गया, 4 से 4 9 36, तो 9 9 81 यानी 810 रुपया इसका हिस्सा हो गया, किसका, बी का। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, वीडियो को बार बार देखिए। टॉपिक 5 का है, नेक्स्ट प्रश्न है, समझिएगा। पी क्यू आर को एक कार्य 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया, तीनों मिलके 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 कार्य पूर्ण किया। यहाँ से समझिएगा, पी और क्यू दो आदमी मिलकर 19/23 कार्य किया और टोटल कार्य एक होता है, तो आर ने कितना किया होगा, 1 - 19/23 23 का 23 में 19 गया 4/23 कार्य। जब पी और क्यू मिलकर 19/23 किया, तीन ही आदमी है, तो जो बच गया होगा वो आर किया होगा, और टोटल कार्य एक होता है जब बटा के रूप में होता, टोटल कार्य एक मानते हैं, तो एक में से 19/23 कार्य पी और क्यू किया है, तो आर कितना किया, तो एक में से घटा लेंगे तो 4/23। अब आगे है, क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 कार्य किया, तो क्यू और आर मिलकर 8/23 किया, तो पी कितना किया होगा, तो एक में से 8/23 घटा लेंगे तो जो बचेगा वह किसका बचेगा, पी का, तो 23 का 23 में से 8 गया 15/23। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो जो दोनों के बटा में 23 है, तो 15 4 19 हो जाएगा, तो 19/23 कार्य आर और पी किया है, तो बच जो गया क्यू के लिए वो कितना बचा, तो एक में से देखिए ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो दोनों का लॉस 23 आ जाएगा, तो ऊपर 15 4 19 जुट जाएगा, तो 19/23 कार्य हो गया है, तो कितना बच गया, 4/23। तो आर किया 4/23, पी किया 15/23, क्यू किया 4/23, तो तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात में पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकालेंगे, तो पी है 15/23, क्यू है 4/23, आर है 4/23, 23 23 23 कर जाएगा, तो 15:4:4 के अनुपात में पैसा बटेगा। तब पूछ रहा है कितना, 5750 रुपये में से किसका हिस्सा, क्यू का, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5750, क्यू बराबर 5750 का कितना भाग मिलेगा क्यू को, 4 भाग, बटा में सबको जोड़ के, तो 15 4 19 4 23, 23 2 46 बच गया 11 11 पर 5, तो 23 5 115 0, 25 चौका 100, 1000 रुपया मिलेगा क्यू को। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मिटा दूं, अच्छी तरह से समझ में आई है बात ना, इसको मिटा देते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ए तथा बी ने मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, कितना दिन किया है, 20 दिन, फिर बी काम छोड़ गया। अच्छा देखिए, ए है बी है और ए प्लस बी है, 30 दिन में कार्य कर सकता था, कर सकता था ना, चलिए उस मेथड से देखते हैं, इस मेथड से नहीं, समझिएगा बात को। ए तथा बी मिलकर 30 दिन में कार्य कर सकता है, एक कार्य 30 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना कार्य किया होगा, 1/30, 1/30 कार्य किया होगा एक दिन में, कितने दिन मिलकर कार्य किया, तो 20 दिन, तो 20 दिन में कितना कार्य किया होगा, कौन, ए प्लस बी, कै दिन में, 20 दिन में, एक दिन में 1/30, तो 20 दिन में, तो 2/3 कार्य हो गए, शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य बच गया
शेष कार्य बराबर, देखिए टोटल एक होता है तो एक में से 2/3 घटाएंगे, तो 3 × 3 में से 2 गया 1/3। अभी कार्य को किया कौन, बी तो 20 दिन करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए ने 20 दिनों में पूरा किया, तो ए 1/3 कार्य 20 दिन में किया, 20 दिन में किया, तो एक कार्य कितना दिन में करेगा, तो 20 दिए 60 दिन में, 60 दिन में करेगा ना। अब देखिए ए है बी है, ए अकेले 60 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल कार्य कितना मानेंगे, 30 और 60 का लसा, 60 ई एक आई दो, तो ई दोनों को जोड़ के यहाँ 2 आएगा ना, दोनों मिलके 30 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा कि 2 आ जाए, तो 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तब 2 आएगा, तो इसका मतलब है कि बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन। अब देखिए ए जो आया, ए की कार्य क्षमता आ गई, बी की कार्य क्षमता आ गई, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता पता हो गया, तो ए अनुपात बी में जो मजदूरी बांटी जाएगी, कार्य क्षमता आ गुणे समय, तो ए कितना दिन शामिल रहा, 40 दिन, 20 दिन पहले और 20 दिन बाद में किया, अब बी कितना दिन शामिल रहा, तो एक के स्पीड से 20 दिन, तो 20 दुना 40 यानी 2:1 के अनुपात में पूंजी बटेगी, ठीक है, ये जो मजदूरी जो बटेगी किस अनुपात में, 2:1 में। अब कह रहा है कि टोटल मजदूरी 600 हो तो बी का क्या मिलेगा, तो बी बराबर 600 का 1/2 = 3, 3 दुना, इसका मतलब बी को मिलेगा 200 रुपया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखिए, इसको बार बार देखते रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा, ओके, थैंक यू, टॉपिक 5 समाप्त हो गया।